नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आशीष गौतम के साथ अड्डा 24/7 हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। आज से शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं एक और। हम लोगों ने सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स पढ़ा, 12 बजे के इम्पोर्टेंट सेशन देखा, एक और अब हमारी मुलाकात डेली बेसिस पर हुआ करेगी, वो रहेगा शाम का 6 बजे। शाम 6 बजे जीए, 7 बजे इंग्लिश, 8 बजे रीजनिंग और फिर 9 बजे आपकी शुरुआत होगी मैथ्स के साथ। तो ये 6 से 10 का स्लॉट अब उनके लिए जिन लोगों ने 2022 को टारगेट किया है, जो 2022 एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, 2022 में जितने भी हमारे बैंक, इंश्योरेंस या इस पर बेस्ड एग्ज़ाम रहने वाले हैं, उनको हम क्रैक करेंगे। तो उनकी उसकी शुरुआत अब इन सेशन से रहने वाली है। पहला दिन ही सिर्फ लिखा भले है यहाँ पर इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन ही मात्र नहीं रहेगा, क्योंकि आपको भरोसा इस बात का बिल्कुल होगा कि जब कुछ आशीष गौतम आया तो लेकर ही आएगा, बहुत कुछ शानदार है पढ़ने के लिए। और आज से ही रिलेटेड है, आज की डेट पर ही बिल्कुल एक करंट का टॉपिक है और आज ही हम लोग अपडेटेड पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्त, आपसे गुजारिश है, देखो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि अगर आपका सिलेक्शन होता है और आप सिलेक्शन होने के बाद आप अपने घर जाते हैं और वो घर जाने के बाद आप अपनी खुशी अपने परिवार के साथ शेयर करते हैं और वो परिवार के साथ सुनने के बाद उनकी जो फीलिंग्स होती है, आपको गले लगा लेना, आपसे वो जो फीलिंग होती है ना, वो फीलिंग आई वॉन्ट टू फील दैट फीलिंग यू नो, मतलब कि इस सेशन को हम लोग इस लेवल पर लेके चलेंगे कि आपका सिलेक्शन सिर्फ आपका सिलेक्शन नहीं होगा, वो हमारा सिलेक्शन होगा। ओके, जो हम नहीं कर पाए, वी आर नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ओके, तो वी वॉन्ट कि यार हम नहीं बन पाए, लेकिन आपको तो बनाना है। चलो थोड़ा बहुत हम जो कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं, बट दोस्त आपकी दिशा में पहला कदम आज मैं रखने जा रहा हूं, आपके भविष्य की दिशा में आज पहला कदम मैं रखने जा रहा हूं। ओके, और उस कदम के साथ आपको कदम मिलाना है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ जो मैं कहता रहूंगा वही आपको करना है। ओके सर, अगर आज से ही स्टार्ट करें तो जीए हो जाएगा? अरे आप जीए की बात करते हैं, जिंदगी में आप कभी भी शुरुआत करिए, तब से सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, बस डिपेंड ये करता है जब आपने शुरुआत करी उस टाइम मेहनत कितनी करनी पड़ेगी। अभी आपको मेहनत बराबर करनी है और बराबर मेहनत के साथ, बराबर की परिभाषा यहां पर यह है कि बहुत कुछ रॉकेट साइंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें नहीं करना, जो अब तक करते हुए आए हैं उसी को करना है, लेकिन एक बहुत सिस्टमैटिक वे में, एक नपे तुले तरीके से करने जा रहे हैं। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, फिर मैं आता हूं मुद्दे की बात पर, ठीक है? फिर मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं, टॉपिक पढ़ना हम शुरू करेंगे। ये जो जर्नी है ना, ये जर्नी जो आपका गोल है, उस गोल की ये जो जर्नी है ना, इस जर्नी को 1 दिन 2 दिन 3 दिन का ना मानकर चलिएगा। इस जर्नी को ये समझ के चलिएगा कि आज हम अगर जुड़े हैं तो हमें तब तक नहीं रुकना जब तक सामने वाला नहीं रुकेगा। मैं तो नहीं रुकने वाला और आई नो आप भी रुकेंगे नहीं। अक्सर होता क्या है ना कि जब हम लोग शुरुआत करते हैं ना, शुरुआत, तो हमारे अंदर बहुत जुनून होता है, कुछ करके दिखाना है। बट बीच बीच में ये अप एंड डाउन होता रहेगा, चाहे आपके मन का, चाहे आपकी फीलिंग्स का, चाहे आपका जो ये एंथुजियाज्म है इसका, या इवन जो आपका जुनून है इसका, इसको बनाए रखने के लिए सिर्फ इतना याद रखना कि वो पहला दिन, जैसे आज की बात करें, आज शुरुआत करने का कारण क्या था। मैंने हमेशा अनुभव किया है कि मेरे ऊपर, हमेशा मैंने ये फील किया कि आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, तो आप कभी भी खुद को इस लायक नहीं बनाते हैं कि आप आज कर लेंगे और कल नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके पीछे जिम्मेदारियां बहुत हैं। तो वो काम आपको भी करना है, आपको भी ध्यान रखना है कि अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी है या ना हो या ना हो, लेकिन मन में ये कुछ याद रखना कि यार मैं आया तो अनोनिमस हूं, बट जाऊंगा अनोनिमस नहीं, मैं कुछ करके दिखा के जाऊंगा और मुझे कुछ करना है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक छोटा सा मैं एक वाक्य है,
हम भाई सरकारी मकान में रहे तो सरकारी कैंपस में रहते थे, तो हमारा मित्र है और हम तीन मित्र हुआ करते थे, ठीक है, एक गोलू, सोनू और एक मैं। तो सोनू था हमारा, तो उससे मेरा जिक्र चल रहा था, मैंने बोला भाई और क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। तो हम लोग आपस में टहलते रहते थे, वो वक्त जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, मतलब छोटेपन से दिमाग में थॉट कहीं ना कहीं डेवलप हो ही रहे थे, ठीक है, शायद 12, 14, 15 के आसपास होंगे हम लोग, या शायद हो सकता है 16, 17 के आसपास होंगे। तो उससे जब मेरा डिस्कशन हो रहा था तो उसने कहा यार आशीष कुछ करना है यार, पिताजी भी उतना कमा रहे जितना, पिताजी जितना कमा रहे, माता जी जितना कमा रही हैं, उनकी माता जी जॉब में थी, हमारे पिताजी जॉब में, तो क्या हम भी उतना ही कमाएंगे, क्या हम भी वही करेंगे जो उस वाली, मतलब उन्होंने जो किया वो उनके अनुसार टॉप है, क्या हम भी वही करेंगे, क्या हमें भी वही सोचना है। तो हमें अब बड़ा सोचना है, मेरा उद्देश्य हमेशा रहता है कि अपना गोल बड़ा सेट करिए, अगर बड़ा अचीव भी नहीं हुआ मेरे भाई, तो जो अचीव होगा ना वो बहुत बड़ा होगा। नाउ ही इज इन फ्रांस, आई एम इन इंडिया, ओके आई लव माय इंडिया, बट ही इज इन फ्रांस, मतलब लिटरली कहने का मतलब यह है कि अपने गोल बड़े सेट करने हैं हमें अपने ऑब्जेक्टिव बड़े सेट करने हैं, और अगर हमने अपने ऑब्जेक्टिव बड़े सेट किए हैं और वो ऑब्जेक्टिव की दिशा में हमारे प्रयास भी निरंतर चल रहे हैं, हो सकता है कि उस दौरान उस समय हमें वो चीज ना मिल पाए, लेकिन अगर हम अपने प्रयास निरंतर करते रहेंगे तो हमें जो भी मिलेगा ना उस दिशा में मेरे दोस्त, वो भी बड़ा रहेगा। तो आज से ही हम लोग इस बात का प्रण लेते हैं और इस बात के लिए बिल्कुल अपने को डिवोटेड कर देते हैं कि अब से जो करना है ना वो हल्का नहीं करना मेरे भाई, जो भी करना है ना शिद्दत से करना है, 100% करना है। ओके अब आगे बढ़ते, एक बार फटाफट सेशन को शेयर करना स्टार्ट करो। जय श्री राधे मेरे दोस्तों, आई एम फ्रॉम यूपी एंड फ्रॉम आगरा। तो बेसिकली मेरे दोस्त बांके बिहारी जी का नाम ना लो तो काम नहीं चलता, बोलो बांके बिहारी लाल की जाए। ठीक है, अब फटाफट से मेरे दोस्तों सेशन शेयर करना स्टार्ट करो और फिर देखिए, ओके ताबड़तोड़ बैटिंग शुरू करते हैं। एक बार सेशन शेयर कर दो फटाफट से मेरे दोस्त। बेटा तू भी कर दे, कर दिया, अरे वाह बहुत बढ़िया। ठीक है देखो ये छुटकी हमारे साथ है सेशन में, ये भी इस कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रही, मतलब सीएस कर रही, फाउंडेशन क्लियर एंड ऑल, उसके साथ पैरेलल जॉब भी करती है। मतलब जिंदगी में ना कुछ पाना है ना तो कुछ अलग हटिया करना पड़ेगा, और शुरुआत आज से ही करते हैं। अब सबसे पहले 2-3 मिनट का इंट्रो देता हूं, फिर उसके बाद मुद्दे की बात पे आता हूं। ओके अब मुद्दे की बात यह है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हैं, उसमें जनरल अवेयरनेस आपका आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, जनरल अवेयरनेस आना ही है। ओके अब ये हो सकता है आप एसबीआई के लिए जा रहे हो सकता है आप आरबीआई के लिए जा रहे हो सकता है बेटा आईबीपीएस के लिए जा रहे हो, लाइक आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क। ओके कोई भी बैंक एग्जाम, कोई भी इंश्योरेंस एग्जाम जिसके लिए आप लोग मेरे दोस्त जा रहे हो, उसमें आपका जीएस सेक्शन रहने वाला है। और जीएस सेक्शन की बात करें तो उसमें आपको या तो 40 क्वेश्चन मिलेंगे, और क्लर्क लेवल पे हुआ तो बेटा आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, या तो 40 क्वेश्चन मिलेंगे या तो आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है यही रहने वाला है 40 या 50। अब मेरा हमेशा टारगेट रहता है कम से कम हमें 70% तो लेकर आने हैं। बेटा अगर 60% का भी रेशियो चल रहा है, अभी जैसा एग्जाम में लेवल आ रहा है, आप 60% इजीली कर सकते हैं, मतलब आप 40 में से 24 उठा लेंगे और 50 में से आराम से दोस्त 30 नंबर उठा लेंगे, लेकिन हमें इसको 70 और 80 में तब्दील करना है। आसान तो 60 भी नहीं है, बिना पढ़े तो 60 भी नहीं आएगा, बिना पढ़े तो 60% भी नहीं आएगा। ओके पढ़ना तो उसके लिए भी पड़ेगा, लेकिन 60% की दिशा में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें सिलेक्शन लेना है ना, कुछ अलग हटके करना है, तो वो अलग हटके करने की दिशा 70%, 80% और उससे अबव होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा, भीड़ से अलग हटके दिखना होगा, तब जाके आप वॉरियर बनोगे। लाइक आपको कोई कहेगा यार ये है बंदा यार, क्या मतलब तैयारी कर रहा है, समझ रहे हो, उस लेवल पे हमें उस थॉट प्रोसेस से काम करना है। तो जनरल अवेयरनेस में 40 और 50 क्वेश्चन रहेंगे, 40 और 50 क्वेश्चन में हम टारगेट सेट करेंगे कि 60 to 70 तो बेयर मिनिमम रहे, मतलब इतना तो कम से कम हमारा रहना चाहिए। अब आगे की बात करते हैं, इसमें आपको क्या क्या देखने को मिले, करंट अफेयर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड स्टैटिक जीके, ठीक है तीनों सेक्शन है। बहुत सारे लोग आपसे ये भी कहेंगे और बहुत सारी जगह आप ये भी सुनेंगे, जो कहेंगे वो भी योग्य है, कोई कम योग्य नहीं है, कि स्टैटिक जीके मत पढ़ो, ठीक है स्टैटिक जीके की इंपॉर्टेंस बाद में रखो, मैं फिर बोलूंगा हर एक चीज इक्वली इंपॉर्टेंट है, आइदर स्टैटिक जीके और फाइनेंशियल अवेयरनेस और करंट अफेयर। ओके मतलब कहने का ये, आपको करंट अफेयर भी फोकस करना है, फाइनेंशियल अवेयरनेस भी फोकस करना है, स्टैटिक जीके कहीं पर भी पेपर में ये नहीं लिखा है कि स्टैटिक जीके 4 या 5 नंबर का आएगा। आज से 2.5 साल पहले, 3 साल पहले चले जाना, SBI में 15 क्वेश्चन थे क्लर्क में स्टैटिक जीके के, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, हमें वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहना है,
हमें उस बुरे वक्त के लिए प्रिपेयर रहना कि अगर स्टैटिक जीके से 10 क्वेश्चन भी आते ना, ओके वी आर प्रिपेयर्ड. ओके, और दिस इज द राइट टाइम यार, दिस इज अ गोल्डन पीरियड. आज हम लोग फैब में खड़े हुए हैं, फैब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यार लगभग हमारे पास 6 महीने पूरे पूरे हैं और ज्यादा ही है. जब मेंस स्टार्ट होगा ना, अपना ये भी डन होगा, अपना फाइनेंशियल अवेयरनेस भी डन होगा, अपना करंट अफेयर्स भी डन होगा. हम जनवरी करंट अफेयर्स से स्टार्ट करेंगे. ओके, हमें जनवरी भी पढ़ना है, फरवरी भी पढ़ना है, मार्च भी, हम करंट अफेयर्स पूरा कंप्लीट करके चलेंगे. एक सवाल मन में आता है ना कि सर कितने महीने के करंट अफेयर्स करें, 6 महीने करंट अफेयर्स पढ़ लें, गंगा नहा लेंगे, काम हो जाएगा, ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा. 6 महीने पढ़ने से काम चल जाता है, लेकिन 6 महीने ही पढ़कर काम चलेगा? एग्जाम, एग्जामिनर भी डायनेमिक है, थोड़ा अलग थॉट प्रोसेस से सोच रहा है. एग्जाम तो है ही है, वो अलग लेवल का थॉट प्रोसेस रख रहा है, वो पुराने क्वेश्चन भी डाल रहा है, तो हम कंसिस्टेंट रहेंगे. अब मैं आपसे एक चीज हमेशा कहूंगा भाई, जिसकी भी तुम मानते हो, जिसको भी मानते हो, उसकी कसम है तुम्हें कि कंसिस्टेंट रहना. कंसिस्टेंट मतलब यह है कि आज कल परसों निरंतर आपको रहना, कंसिस्टेंट रहना, एक भी दिन स्किप नहीं करना. ओके, ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं रिजल्ट पर बिलीव करता हूं, बातें कम. करंट अफेयर, फाइनेंशियल अवेयरनेस, स्टैटिक जीके, ये हम लोग करेंगे, बट स्टार्टिंग जो हम लोग करेंगे उसकी मैं दिशा बताता हूं आपको. इस सेशन में आपको करंट अफेयर भी देखने को मिलेगा, करंट अफेयर जो हम लोग का जनवरी का रहेगा, फरवरी का रहेगा. ओके, इसी सेशन में आपको वो बैंकिंग बेस्ड करंट अफेयर भी देखने को मिलेंगे जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलते हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस बेस्ड भी करंट अफेयर आपको देखने को मिलेंगे जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलते हैं. इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा, स्टैटिक जीके में इस पर भी फोकस करने जा रहा हूं. स्टैटिक जीके जस्ट लाइक, जैसे नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, ठीक है, रामसर साइट हो गई, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यूनेस्को की साइट हो गई, यहां से एग्जाम में बैक टू बैक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर से लिंक करते हुए स्टैटिक जीके उठा के पूछ रहा है वो. इसके अलावा बेटा कंट्री, कैपिटल, करेंसी, ये तो ऐसे ही रटा दूंगा ना, जैसे लाइक ए फॉर बी फॉर सी फॉर डी फॉर ई फॉर एलिफेंट एफ फॉर फिश, जैसे बचपन से याद है ना, A for apple, B for boy, C for dog, D E, like इस तरीके से, छोटा आ, फिर आगे बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा हूँ, लाइक याद है ना कि नहीं याद है मेरे भाई, याद है, भूले नहीं ना, ऐसे ही ट्रिपल सी से अपन लोग ना कंट्री, कैपिटल, करेंसी भी याद कर लेंगे. ओके, तो घबराना नहीं. इसके अलावा और भी स्टैटिक है, लाइक बैंक का हेडक्वार्टर की बात करते हैं, ठीक है, बैंक की टैगलाइन की बात करते हैं मेरे दोस्त. ये बहुत कॉमन चीज है यार, मैं लिख के भी लेकर आ सकता था, बट मुझे फील आता ना लिखने में. ओके, तो लिखकर ही पढ़ते हैं, जरा समझते हैं, ठीक है. तो यूनेस्को की साइट हो गए, रामसर साइट हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क हो गए, ट्रिपल सी हो गया, अपना बैंक हेडक्वार्टर, टैगलाइन, एक और इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर. ओके, अंतर्राष्ट्रीय संस्था और उनके हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड उनके हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. ये एग्जाम का क्वेश्चन था लास्ट ईयर, यहां से क्वेश्चन पूछा था, एक रिपोर्ट गिवन थी, और उस रिपोर्ट से पूछा कि ये वाली रिपोर्ट जो फलानी फलानी रिपोर्ट है, इसको कौन जारी करता है. प्रिपेयर रहना पड़ेगा, रिपोर्ट जो जारी करता है ना, वो आज भी करेगा, कल भी करेगा, परसों भी करेगा, तरसों भी करेगा, अब भी करेगा, कल भी करेगा. इसका मतलब हमें थोड़ा समझ के चलना पड़ेगा. ओके सर, कितने मंथ का पढ़ेंगे? डेली पढ़ेंगे, ठीक है. समझ में आ रही मेरी बात? क्लियर हो रही है? इसी सेशन में और भी स्टैटिक टॉपिक है पढ़ने के लिए, सिर्फ यहां तक बात खत्म होती नहीं है. अभी हम लोग पढ़ने बैठेंगे तो एडसेक्टर आए, काफी कुछ है पढ़ने के लिए. यहां पर हमारे पास डैम भी रहेंगे, यहां पर हमारे पास बेटा स्टेडियम भी रहेंगे. स्टेडियम में हम लोग इंटरनेशनल भी करेंगे और इंडिया में भी जितने हैं उनको भी करेंगे, ठीक है. स्टेडियम तो इंटरनेशनली सारे, इंडिया वाले भी करेंगे और आउट ऑफ इंडिया मतलब फॉरेन में जितने भी है. उसके अलावा एक एयरपोर्ट, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, जो भी एयरपोर्ट न्यूज में चल रहा है, इनको भी स्टडी करने जा रहे हैं. काफी कुछ इस वाले सेशन में आपको देखने को मिलेगा. इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें मेरे दोस्त, मैं कह तो रहा हूं यार, लिखने बैठूंगा ना अभी तो खत्म होने वाला नहीं है, मतलब कंप्लीट स्टैटिक इस सेशन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है. कंप्लीट स्टैटिक यहां पर आपको देखने को मिलेगा. सर पहले स्टैटिक पढ़ाना, अरे मैं बताऊंगा ना, कभी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर से कहते हो अरे सर एक काम करिए ना, पहले टांके खोल दीजिए. अरे मेरे भाई उसे काटने तो दे, टांके लगाने तो दे, तभी तो टांके खुलेंगे, है स्टिच अंग्रेज.
ओके तो मेरे भाई डॉक्टर को मत बताओ कि कैसे ऑपरेशन करना है, यार नहीं डॉक्टर साहब ऐसे नहीं ऐसे करो ना सर, 2 इंच क्यों, 2.5 इंच काटो ना, मजा तब आएगा। ए भाई रुक जा, मेरे को पता है घबरा मत, ठीक है तसल्ली से सुन सत्यनारायण की कथा की तरह। फाइन, तो समझने की बात यहाँ पर यह है कि हम लोगों ने एक चीज तो समझ ली कि सर यहाँ पर स्टैटिक जीके हमें कंप्लीट देखने को मिलेगा। करंट अफेयर्स में मैं आपको यहां पर कुछ इस तरीके से पढ़ाऊंगा, लाइक अपॉइंटमेंट, यहां पर इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट भी आपके रहेंगे, यहां पर नेशनल अपॉइंटमेंट भी आपके रहेंगे, इवन मेरे दोस्त यहां पर आपको ऑबिचुरीज भी देखने को मिलेंगी, इंटरनेशनल ऑबिचुरी और बेटा यहां पर नेशनल ऑबिचुरी, लाइक अभी लता मंगेशकर जी का निधन हो गया वो नेशनल में आ गई, इंटरनेशनल जैसे ग्रीस के अभी हम लोगों ने सुबह पढ़े थे प्रेसिडेंट का निधन हो गया वो इंटरनेशनल ऑबिचुरी में आ गई, तो उनको भी स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, इसके अलावा बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनना, आरबीआई रिलेटेड न्यूज एंड बैंक रिलेटेड न्यूज जो करंट में चल रही है उनको कंप्लीट करेंगे, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इंडेक्स कंप्लीट करने जा रहे हैं हम लोग, जितने भी इंडेक्स रहेंगे, ठीक है, इंडेक्स में हम लोग स्टेट इंडेक्स भी करेंगे, स्टेट इंडेक्स, ओके, गवर्नमेंट स्कीम भी कंप्लीट करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कीम में हम लोग जितनी भी सरकारी योजना केंद्र सरकार की, जितनी भी सरकारी योजना राज्य सरकार की है उनको भी कंप्लीट करने जा रहे हैं। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईआईटी, कोविड के बाद से काफी आईआईटी न्यूज में आने लगे हैं, न्यूज रिलेटेड टू आईआईटी भी करेंगे, न्यूज रिलेटेड टू इसरो भी करेंगे, न्यूज रिलेटेड टू डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक को भी स्किप नहीं करने वाले, एक भी न्यूज को हम लोग स्किप नहीं करने वाले, न्यूज रिलेटेड टू आईआईटी, न्यूज रिलेटेड टू इसरो, न्यूज रिलेटेड टू डीआरडीओ, एवरीथिंग आई विल कवर। ओके, हर एक चीज हम लोग, मतलब साइंस की न्यूज भी रहेगी, स्पोर्ट्स रिलेटेड एवरीथिंग, लाइक स्पोर्ट्स में भी अगर हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं तो स्पोर्ट्स में मालूम है क्या अपने लिए इंपॉर्टेंट बनता है, चलो जो करंट में चल रहा है वो तो समझ में आ गया, स्पोर्ट्स में भी काफी अवार्ड्स आ जाते हैं, ठीक है, और अवार्ड्स को तो कंप्लीट करेंगे, स्पोर्ट्स इवेंट को भी कवर करेंगे, लाइक जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था एएफसी कप जो फुटबॉल रिलेटेड है, फीफा कप, आईसीसी, फीफा वर्ल्ड कप हो गया, आईसीसी वर्ल्ड कप हो गए, ओके, इवन इसके अलावा एफआईएच वर्ल्ड कप, हॉकी के वर्ल्ड कप अपने हो गए, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन वर्ल्ड कप अभी इंडिया में हुआ था, साउथ अफ्रीका के पोर्ट ऑफ स्ट्रेम में वीमेंस वाला होने वाला है, सब कुछ कवर करने जा रहा हूं, सब कुछ कवर करने जा रहा हूं इसी सेशन में, एक एक चीज पे काम करने जा रहे हैं, पानी वानी नहीं, ठीक है, मतलब समझने की बात है मेरे भाई, तबीयत खुश हो जाएगी, ठीक है, तबीयत खुश हो जाएगी, इतना मजा आने वाला आपसे, बट तुम्हें भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अगर मैं एफर्ट डाल रहा हूं ना उस एफर्ट को कम मत होने देना, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं छोटा सा, मैं तुम्हें तरीका बताता हूं पढ़ने का क्या रहेगा, आज की बात करते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं, बातें बहुत हुई, रिजल्ट पे फोकस करेंगे, लेकिन आज मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बताता हूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट आई है, पहला दिन है, शायद आपके समझ में ना आए, क्या यार ये क्या मास्टर है, ये मास्टर है तो उल्टी बात कर रहा है, ये दुनिया बोलती थी कि पहला दिन आपके समझ में आएगा, ये उल्टा बोल रहा है कि पहले दिन समझ में ना आए, ठीक है, इसीलिए तो अड्डा 247 थोड़ा हटके है, हो सकता है शायद पहले दिन मेरा टॉपिक आपके समझ में ना आए, एक दिन, दो दिन, तीन दिन मेरे सेशन को कंटिन्यू करिएगा, ओके, तीन दिन में आपको मेरा पैटर्न भी समझ में आएगा, मेरी थॉट भी समझ में आएगा, मेरा तरीका समझ में आएगा, एक दिन में आपके समझ में आने वाली चीज नहीं हूं, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, तीन दिन मेरे साथ जुड़िए, चौथे दिन आपको खुद नशा हो जाएगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे साथ जुड़ने की। ये टॉपिक यहां पर जितने लिखे हैं ना ये खुद में एक टॉपिक है, लाइक ये वाला ना एक इन्फ्लेशन मेरा चैप्टर रहेगा, ये पढ़ेंगे, ये खुद में नेशनल इनकम एक चैप्टर है, ये एक मॉनेटरी पॉलिसी एक चैप्टर है, ओके, और ये मॉनेटरी पॉलिसी खुद में एक चैप्टर है, तो यहां पर तीन चैप्टर आपके सामने लिखे हुए हैं और तीन चैप्टर में जो आज न्यूज में रहे हैं उनको हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, ओके, अब जरा समझते हैं, यहां से बैक टू बैक एग्जाम में क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बैक टू बैक क्वेश्चन है, ये जितना लिखा सब एग्जाम का क्वेश्चन है। हमारे देश में होता क्या है ना कि जो देश है इसको चलाने के लिए अलग 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 चीजों की आवश्यकता होती है, ओके, अब अलग अलग क्षेत्र भी हैं, उसमें एक वित्तीय क्षेत्र भी है, फाइनेंशियल सिस्टम जो हमारा है, और उसमें कहीं ना कहीं आरबीआई का भी इन्वॉल्वमेंट और गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है, ओके, अब जो आरबीआई का इन्वॉल्वमेंट होता है ना वो मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से होता है, मौद्रिक नीति के माध्यम से, आज नहीं समझ में आएगा, सुनिएगा सिर्फ, सुनिएगा सिर्फ कि यहां कुछ आशीष गौतम बता रहा है, मौद्रिक नीति के माध्यम से आरबीआई वित्तीय जो बाजार है, या यू कह सकते हैं जो मार्केट है, जो बाजार है, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है, या कंट्रोल कह सकते हैं उसको बैलेंस करने का काम करता है। एक आती है आपकी फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट का रोल आता है, अभी हम लोग बात करें आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, आरबीआई जो कि भारत का एक केंद्रीय बैंक है, हर देश का एक केंद्रीय बैंक होता है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये
जैसे चाइना का केंद्रीय बैंक अलग है, नेपाल का अलग है, श्रीलंका का अलग है, यूएसए का अलग है, उसी तरीके से अपने प्यारे भारत का बड़ा केंद्रीय बैंक जो है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, आरबीआई का काम क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, मौद्रिक नीति बनाना, और मौद्रिक नीति के माध्यम से बाजार को नियंत्रित करना, उसे कंट्रोल करना। उस दिशा में यहां पर एक मॉनेटरी पॉलिसी आती है, मौद्रिक नीति आती है, ये एक साल में 6 बार रिव्यू की जाती है, इसीलिए इसको वर्ड दिया जाता है बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी। असल मायनों में तो कल से डे वन स्टार्ट होगा, लेकिन मैं आज तुमको थोड़ा डेमो टाइप में समझाता हूं कि मेरा तरीका किस तरीके से रहेगा। ओके, कि वो चीजें जो डायरेक्ट एग्जाम में आती है हम लोग उन पर ही फोकस करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी ये बाय मंथली होती है। बाय मंथली का मतलब समझते हो, क्वार्टर का मतलब समझते हो, क्वार्टर, क्वार्टर मतलब जानती है क्या? क्वार्टर मतलब बेटा फोर्थ, मतलब साल का आधा या चौथाई, चौथाई, वेल डन। जैसे चौथाई मतलब होता है बेटा 12 डिवाइड बाई 4, मतलब तीन महीने। ठीक है, अब जब बाय मंथली होता है 12 डिवाइड बाई 6, मेरे दो महीने। हर 2 महीने के बाद इसकी समीक्षा की जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू किया जाता है हर 2 महीने के बाद, इसलिए इसे बोलते बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी। अप्रैल में आती है, अप्रैल के बाद आएगी, अप्रैल मई हटा दो, फिर बेटा जून, जून के बाद जुलाई हटा दो, अगस्त, अगस्त के बाद हटा दो सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर का नवंबर हटा दो, दिसंबर, दिसंबर का जनवरी हटा दो, मैंने भाई फरवरी, तो आज फरवरी में खड़े हुए हो, तो 2022 जो ये है बजट के बाद पहली ये मॉनेटरी पॉलिसी है और इस फाइनेंशियल ईयर की लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू है, फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का पहला शुरू होगा। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि जो इंडिया की जीडीपी है, जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डिटेल में पढ़ेंगे अलग से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, एक देश में जितने भी लोग होते हैं चाहे वो कोई भी हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया, ओके, या कोई भी देश है, उसमें चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी हो मेरे भाई, आइदर इंडियन और फॉरनर, इन सब ने जो भी अर्न किया है ना, जो भी अर्न किया है उसको बोलते हैं जीडीपी। तो ये कहा गया है यहां पर कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल मतलब होता है अप्रैल से लेकर मार्च तक, और यहीं पर अगर कैलेंडर ईयर लिखा होता तो बेटा ये होता जनवरी से लेकर दिसंबर तक, फाइनेंशियल मतलब अप्रैल से मार्च तक। तो जो करंट फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल से लेकर मार्च तक चल रहा है, उसमें इंडिया की जो सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर है, जीडीपी ग्रोथ रेट है, इट विल बी 9.2%। इट इज प्रोजेक्टेड, अनुमानित, यह अनुमान लगा रहा है आरबीआई, आरबीआई कैलकुलेट नहीं कर रहा जीडीपी, आरबीआई कह रहा है कि अभी तो 2022 का मार्च खत्म नहीं हुआ, जब ये पूरा कंप्लीट होगा तभी तो कैलकुलेट होगी, कैलकुलेशन का काम किसी और का है, कैलकुलेशन करता है एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, प्रोजेक्शन वर्ल्ड बैंक भी कर रहा है, प्रोजेक्शन आईएमएफ भी कर रहा है, प्रोजेक्शन इकोनॉमिक सर्वे की भी कर रहा है, प्रोजेक्शन बेटा अलग अलग संस्थाएं भी कर रही हैं, लेकिन प्रोजेक्शन तो सब कहते हैं करते हैं, लेकिन असल में कैलकुलेट कौन करता है? एनएसओ। एग्जाम में सवाल आता है और आया हुआ सवाल है कि एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एज पर आरबीआई, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? अगर यही एग्जाम में सवाल आया 21-22 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहेगी, बेटा आंसर बनेगा 9.2%। ओके, क्लियर है यहां तक? आई होप क्लियर होगा, अभी सब्र रखिएगा। आगे सवाल दूसरा, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब होता है सिंपल शब्द में बोले बेटा महंगाई। ओके, महंगाई को कैलकुलेट करने के लिए एक इंडेक्स बनाएगा, हर चीज का एक तरीका होता है, जिस समय देखने के लिए क्या है, घड़ी, फोन, वॉच, कूल, ठीक है, वॉच है मेरे भाई, किलोमीटर नापने के लिए भी कुछ ना कुछ होगा, यहां से वहां तक डिस्टेंस नापने के लिए किलोमीटर हो गए, मीटर हो गए, अलग 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 तरीके के मेजरमेंट का कोई ना कोई तरीका बना रखा है ना, आशीष गौतम कैसा पढ़ाता है उसका अनुमान कैसे लगाएंगे, तो सिलेक्शन एक आधार हो सकता है, जैसे लगभग 1600 लाइव चल रहा है वो एक आधार हो सकता है, बच्चे कितना पसंद कर रहे हैं 1200 लाइव चल रहा है ये एक आधार हो सकता है, मतलब अलग 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 अलग, अड्डा 24/7 कैसा प्लेटफॉर्म है, तो उस पर जब फैकल्टी सभी एक जुनून से पढ़ाते तो वो एक आधार है, हर चीज का एक आधार है ना, इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने का भी एक आधार है, उस इंडेक्स का नाम है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहता है कि भारत में जो महंगाई है
पूरे वित्तीय वर्ष में 5.3% रहने का अनुमान है, मतलब महंगाई में, या यू कहें महंगाई 5.3% रहेगी। वैसे ही इनका जो टारगेट रहता है ना, वो ये रहता है कि महंगाई 2 से लेकर 6% के बीच में रहे, ना 2% से कम रहे ना 6% से ज्यादा रहे। ठीक है, कहना तो इनका ये कि 4% ±2%, ठीक है, ±2% का मतलब अगर मैक्सिमम जाएगा तो 6%, तो मिनिमम जाएगा तो 2%। मतलब इन्होंने क्लियर बोल दिया कि अगर हम 5.3 पे खड़े हुए तो ये वह सिचुएशन नहीं है, अगर 6 से ज्यादा महंगाई जाएगी तब हमारे लिए वो सिचुएशन ऐसी होती जिसमें कि हमें समझना पड़ेगा कि बेटा थोड़ा आउट ऑफ जा रहे हो, वापस आ जाओ, क्योंकि स्लैब जो हम लोगों ने बना रखा है ना वो 2 से 6% का बना रखा है, कि जो लोअर टॉलरेंस लेवल है 2% है, अपर टॉलरेंस लेवल जो है वो 6% है, 2% से 6% के बीच में महंगाई है, कोई दिक्कत नहीं। ओके फाइन, अगर ज्यादा 2% की तरफ जा रही सोचेंगे, 6% की तरफ जा रही सोचेंगे, 4% के आसपास बनी हुई है, ओके फाइन, हम एक बेटर सिचुएशन में चल रहे हैं। समझ में आ रही मेरी बात? सीपीआई बेस ईयर कोई बताओ, क्यों कोई बताओ, मेरे से पूछना यार, 2012 लिख ले, खुश और बता, सब पता चलेगा, रुक जाए, तसल्ली रख यार, सब मिलेगा। इसी का नाम तो वृंदावन, नहीं तो मंदिर घर घर में होता है, ठीक है, समझ रहे हो। आगे चलो, रेपो रेट क्या है? रेपो रेट के लिए उन्होंने बोला 4%। ये रेपो रेट बड़ी ना बड़ी 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 वाली चीज है मेरे भाई। कैसे? इसका इस्तेमाल हर जगह होता है, इसका हर इस्तेमाल हर जगह होता है, कोई होता ना चंद मसाले, इनका इस्तेमाल हर सब्जी में होता है ना, उसमें रेपो रेट का इस्तेमाल हर जगह होता है। अब कैसे इसका इस्तेमाल होता है? जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की बात कर ले, उनको अगर पैसा उधार चाहिए, सरकार को पैसा उधार चाहिए, इसी रेट पे लेते हैं, रेपो रेट पे, पहले बैंक रेट, अब रेपो रेट, समझ रहे हो। आपने अकाउंट टू अकाउंट पैसा ट्रांसफर किया, NEFT किया, RTGS किया, और गलती से बेटा पैसा आपका टाइम से नहीं पहुंचा, और बैंक ने गड़बड़ कर दी, आपका टाइमली पेमेंट नहीं पहुंचाया, तो फिर क्या होगा? समय ज्यादा लग रहा है ना, चलो ठीक है, पैसा दो इनको जितना समय लगा है। किस रेट से? रेपो रेट से। रेपो रेट का इस्तेमाल बहुत है भाई, बहुत इस्तेमाल है रेपो रेट का, तसल्ली से पढ़ेंगे इसका इस्तेमाल, ओके। लेकिन एक मैं यूज बताता हूं, ये वो रेट होती है जैसे ब्याज की दर है, ये है क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटा, ब्याज की दर। ब्याज की दर मतलब यहां पर ये है कि ये वो रेट होती है जिस पर बैंक RBI से बोरो करता। अभी मैं सिस्टमेटिक वे में पढ़ाऊंगा, आज पहला दिन है तो बता रहा हूं कि कुछ चीजें हम लोगों की रहने वाली है, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे बिल्कुल, कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो ये बैंक होता है ना, बैंक बेटा ये RBI से मनी बोरो करता है, जिस रेट पर बोरो करता है उसे बोलते हैं रेपो रेट। आज के टाइम में 4% चल रही है, ठीक है। जैसे RBI बैंक पहुंचा, SBI पहुंचा, ए भाई सुनना, लाइक फॉर एग्जांपल दिनेश कुमार, दिनेश खरा साहब है, वो पहुंच गए शक्ति भाई के पास, ए सुन शक्ति, हाँ दिनेश कुछ पैसा दे ना भाई, दिनेश भाई बोल रहे हैं, ए भाई कुछ दे ना, ए भाई कुछ दे ना, हाँ कितना चाहिए, दे दे यार 100 करोड़ दे दे, तो चल ठीक है ले ले भाई, एक एग्जांपल के तौर पर 100 करोड़। तो कोई रिश्तेदार तो लग नहीं रहे, कुछ ना कुछ तो ब्याज चार्ज करेंगे, तो सामने से RBI शक्ति भाई बोलते हैं कि देख सुन, 4% मतलब 4% ब्याज लूंगा तेरे से, मतलब 4% की रेट से मैं ब्याज लूंगा, उससे कम तो मैं करने वाला हूँ नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है ले ले, क्या दिक्कत आ रही है, जिस रेट पर लेगा ना उसको बोलेंगे हम रेपो रेट। तो रेपो रेट इज अ रेट एट विच बैंक टेक्स मनी फ्रॉम RBI, ओके। ये वो दर होती है जिस पर RBI से बैंक मनी बोरो करती है, वो दर होती है जिस पर RBI बैंक को पैसा उधार देता है। आज के समय में 4% चल रहा है, टेक्निकल एस्पेक्ट पर भी नहीं जा रहा, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसे हम लोग, इसमें भी हम लोग इसे रीपर्चेज रेट क्यों बोलते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मॉर्गेज की जाती, अभी साइड में रखते हैं, ठीक है, अभी आराम से पढ़ते हैं। रिवर्स रेपो रेट, अब देखो रिवर्स आ गया, रेपो रेट का रिवर्स, अब ये वो रेट होगी, कुछ महानुभाव कहेंगे ये वो रेट होती है जिस पर कि RBI बोरो करता है, RBI बोरो नहीं करता, जो बैंक होते हैं ना बैंक, जैसे लाइक अगर मेरे पास पैसा सरप्लस में तो मैं अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करता हूं, बैंक के पास सरप्लस में तो वो पैसा अपनी जो एक्सेस लिक्विडिटी होती है वो RBI के पास रखते हैं। तो बैंक जब RBI के पास अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं तो बदले में जो इनको इंटरेस्ट मिलता है, जिस रेट से मिलता है, उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। एट प्रेजेंट चल रहा है 3.35%। द डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट इज कॉल्ड कॉरिडोर। इन दोनों के बीच के अंतर को हम लोग कॉरिडोर बोलते हैं। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट इज कॉल्ड LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। क्लियर है? PDF कहां मिलेगा? रिमूव बिलो टैगलाइन इट इज डिस्ट्रैक्शन। रिमूव ना करना, ट्राई टू फोकस यार, यहां फोकस करना, डिस्ट्रैक्शन कैसे हो सकता है। मैं अपने स्कूल में जाता था, 1 घंटे का सफर होता था, मेरे स्कूल का नाम है बाल मुकुंद रामचंद्र बजारी सरस्वती विद्या मंदिर रोहतक रेलवे स्टेशन अरतौनी आगरा, ओके। आगरा में पढ़ते थे, सरस्वती विद्या मंदिर था मेरे भाई, और वहाँ आगरा से अपने घर से जाने में 1 घंटा लगता था, बस की खटर पटर में भी पढ़ते रहते थे, कभी ध्यान ही नहीं गया इधर उधर। फोकस फोकस मेरे भाई, फोकस,
इसका मतलब फोकस नहीं है, फोकस मेरे कोड पे मत जा, Y168 पे इधर फोकस कर अभी, ठीक है, कंटेंट पे आगे बढ़ते नेक्स्ट। यहां पर जरा देखो आरबीआई ने क्या करा कि लगातार 10वीं बार यहां पर 10th स्ट्रेट टाइम रेपो रेट को बदलाव ही नहीं किया, उन्होंने रेपो रेट को बरकरार रखा। यहां पर है क्या ना, एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये डिसाइड करती है कि मॉनेटरी पॉलिसी में जो भी चीजें रहेंगी उसमें क्या परिवर्तन होगा। ओके, अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल मिलाकर 6 सदस्य होते हैं, जो तीन, ये बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, 3 सदस्य होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, 3 सदस्य होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, जो ये डिसाइड करते हैं कि रेपो रेट क्या रहने वाला है, रिवर्स रेपो रेट क्या रहने वाला है। ओके, अब उन्होंने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं किया, 4% पे इसे बरकरार रखा, 3.35% पे इसे बरकरार रखा। वही बात इन्होंने यहां पर भाषा में लिख दी है कि एमपीसी ने कहा है कि जो बेंचमार्क रिपर्चेज रेट यानी कि जो रेपो रेट है वो 4% पर रहेगी और जो रिवर्स रेपो रेट है मेरे भाई वो 3.35% पर रहेगी। कहने का मतलब यह है रेपो रेट अनचेंज, रिवर्स रेपो रेट अनचेंज, इतनी पूरी लैंग्वेज में। अब ये बेंचमार्क रिपर्चेज का मतलब क्या है बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, इसका मतलब क्या है इसको बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना, रेपो रेट 4% एंड रिवर्स रेपो रेट एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कहा है कि इतने प्रतिशत रहने का अनुमान है। कोई दिक्कत? आप बातों बातों में अपना प्रचार करना नहीं भूलते। अरे यार क्यों भूलेंगे, ऐसी क्या बात कर दी। हाँ, कुछ भी अगर बाय करना है यूज कोड यूज करना Y168 for 78% डिस्काउंट, ठीक है, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना Data 24/7 और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फाइन, अब जरा आगे देखते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वॉलंटरी रिटेंशन स्कीम। ओके, वीआरएस अभी नहीं पढ़ेंगे, से पढ़ेंगे हम लोग वीआरएस है क्या। अब आज के ही दिन ये न्यूज है और आज के दिन ही इसमें कुछ अपडेशन किया गया है। आरबीआई का क्या कहना है कि हमने वीआरएस के तहत जो लिमिट है, जो लिमिट है बेटा, उसको हाइक कर दिया है, ठीक है, इसे 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर बेटा हम लोगों ने 2.5 लाख कर दिया है। बात क्लियर हुई? इसे 1.5 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया है, ठीक है। तो आरबीआई ने क्या किया, अब ये अब तुम्हारे दिमाग में सवाल होगा, सर पहले ये तो बता दो वॉलंटरी रिटेंशन स्कीम होती क्या है, डिटेल में पढ़ेंगे पूरी क्लास में, ठीक है, कि वॉलंटरी रिटेनमेंट स्कीम होती क्या है। लेकिन अभी के लिए इतना सिर्फ कि इसमें जो एक लिमिट है, लिमिट फॉर इनफ्लो नॉट फॉर आउटफ्लो, लिमिट फॉर इनफ्लो वो कितनी बेटा 1.5 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख से बढ़ाकर बेटा इसको यहां पर 2.5 लाख कर दिया है। कांग्रेचुलेशन फॉर एंगेजमेंट, शुक्रिया मेरे दोस्त, ठीक है, अब पढ़ लो यहां पर, ठीक है। जब से तुम लोगों ने पता चला तब से हिचके ज्यादा आ रही, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ टेकवेज हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, उनको देख लेते हैं। बेंचमार्क जो लैंडिंग रेट है वो 10th टाइम 4% रही है, यानी कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर रही है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। जीडीपी ग्रोथ रेट इनका कहना है कि जो नेक्स्ट फिस्कल है, यानी कि देखो अगले के लिए भी बोल दी इन्होंने कि जो 22-23 का फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो जीडीपी ग्रोथ रेट है इट विल बी 7.8% और जो ये करंट फाइनेंशियल ईयर है इसमें रहेगी 21-22। अरे वाह भाई वाह, मजा आ गया यार, ये तो बहुत बढ़िया, क्या बात है। मतलब जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, ओके, उसके लिए इन्होंने जीडीपी ग्रोथ रेट बोला है 9.2% रहेगा, जो अभी चल रहा है भाई, जो March 31, 2022 से चलेगा इसमें 9.2% रहने का अनुमान है। लेकिन फ्रॉम अप्रैल 2022 से जो शुरू होने वाला है फॉर March 31, 2023, ओके, 31st of March 2023, उसमें कितना परसेंट रहेगा, 7.8%। प्लीज फोकस करना है यहां पर, ये एग्जाम के क्वेश्चन है आपके। रिटेल इन्फ्लेशन, अब देखो एक और सवाल, रिटेल इन्फ्लेशन को हम लोग सीपीआई बोलते हैं, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन, लिख लेना ये कि सीपीआई को ही हम लोग रिटेल इन्फ्लेशन बोलते हैं। और जो करंट फिस्कल है यानी कि 21-22 मेरे भाई, इसमें 5.3% रहेगा, यही तो पहले पढ़ाया था, देखो 5.3%, यही बात। अब उसने यहां पर पूरी चीज को समराइज कर दिया है और ये बोल रहा है कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है मेरे भाई 22-23, इसमें 4.5% रहेगा। तो ये करंट फाइनेंशियल जो एंड होने वाला है उसकी भी चर्चा कर रहा है, जो आने वाला है ना उसकी भी चर्चा यहां पर कर रहा है। ओके, क्लियर है, ठीक है, डन, आगे बढ़ते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट, अब ये करंट अकाउंट इट इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा लेकिन अभी के लिए सिर्फ इसे पढ़ लो। बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट होता है, उसमें जो डेफिसिट होगा ना, डेफिसिट उसके लिए बोल दिया है कि करंट फिस्कल में इट विल बी बिलो 2% ऑफ जीडीपी, जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, इसकी 2% से भी कम रहेगी भारत की चालू खाता घाटा। करंट अकाउंट डेफिसिट जो भारत का चालू खाता घाटा होगा, इट विल बी लेस देन 2% ऑफ जीडीपी। ओके, अभी के लिए रेट लो, कुछ होता होगा ये करंट अकाउंट डेफिसिट। आरबीआई ने क्या कहा है कि जो ऑन टैप, ऑन टैप मतलब होता है ऑन डिमांड,
ठीक है, ऑन टैप जो लिक्विडिटी फैसिलिटी है, यहां से शुरू होता है पॉइंट, जो हेल्थ केयर और कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर है, ओके, हेल्थ केयर एंड कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर है, उसके लिए आरबीआई ने एक ऑन टैप लिक्विडिटी फैसिलिटी लॉन्च की थी, जिसके तहत 50,000 करोड़ रुपए तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसको फर्दर 3 मंथ एक्सटेंड कर दिया है, कितने महीने एक्सटेंड किया, 3 महीने और एक्सटेंड किया गया, ओके क्लियर। जो ई रूपी डिजिटल वाउचर है, आज आप लोगों को मैंने कुछ दिन पहले पढ़ाया था, जो पढ़ाया था वो भूतकाल है, अब भविष्य की बात कर लेते हैं और वर्तमान की बात कर लेते हैं। हम ई रूपी पढ़ेंगे, विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ एनपीसीआई, जो कि एनपीसीआई का प्रोडक्ट है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, ओके। जो एनपीसीआई का ई रूपी डिजिटल वाउचर, इसकी जो लिमिट है, कैप एबिटा, इसको रेस कर दिया 10,000 से बढ़ाकर 1,00,000 कर दिया है, ओके। मल्टीपल यूज परमिटेड यहां पर, और 10,000 से बढ़ाकर, एक एग्जाम का क्वेश्चन है, एक एग्जाम का क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लो मेरे भाई, पूरा का पूरा जो आज मैंने तुम्हें बताया है, एक भी चीज स्किप नहीं करेंगे, ये पूरा का पूरा पढ़ने जा रहे हैं। इन्होंने बाकी इसको समराइज कर दिया है यहां पर, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी हाईलाइट रही है, सीपीआई प्रोजेक्ट कर दिया है 4.5% करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, ओके। क्वार्टर फोर के लिए भी इन्होंने कुछ बोला है, जीडीपी ग्रोथ 9.2% ये पढ़ लिया, और जो अगले फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए भी बोल दी इन्होंने 7.8%, ये सारी चीजें यहां पर बोल दी है, क्लियर है। बाकी आपको करना क्या है मेरे दोस्त, डेली बेसिस पे आपको सुबह 7 बजे सेशन में जुड़ना है करंट अफेयर्स में, मॉर्निंग 7 AM और ये इवनिंग में 6 PM। अब ये दो टाइम आपको गलती से स्किप नहीं करने हैं। 12 बजे भी चलेगा, 12 बजे मैं इंपॉर्टेंट अलग से टॉपिक लेकर आता रहूंगा, बट ये सुबह 7 बजे का और 6 बजे का सेशन स्किप नहीं करना है, ना ही सुबह 7 बजे का सेशन स्किप करना है, ना ही 6 बजे का। इसके बाद जो सेशन होने वाला है उदिशा मैम का रहेगा, फाउंडेशन क्लासेस में इंग्लिश का, फिर उसके बाद मेरे भाई 8 बजे से सौरभ सर रीजनिंग लेके जुड़ेंगे, और 10 बजे आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं यहां पर शांतनु सर। तो ये अब आपको ध्यान रखना है, 6 बजे से लेकर 10 बजे तक का जो स्लॉट है ये आपके लिए डेडिकेट कर दिया गया, ओके। इसके अलावा सुबह 7 बजे का टाइम स्किप नहीं करेंगे, कल सुबह 7 बजे ताबड़तोड़ बैटिंग करूंगा। अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे दोस्त अब आपसे गुजारिश है, अपना आज एक कमेंट जरूर करना मेरे को, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट यू वांट, ओके, आप चाहते क्या है, आपको क्या चाहिए, आपकी जरूरत क्या है, अपनी जरूरत के हिसाब से, इवन आपके मन में जो भी थॉट है, अपनी परेशानी एंड ऑल जो भी मन में आता है कि सर मुझे ये दिक्कत है, प्लीज ये अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, सर मुझे ये चाहिए, इवन पॉजिटिव, इवन व्हाटएवर जो तुम्हारे मन में थॉट आ रहा है, शेयर करना इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद कमेंट में, ओके। जितने न्यू एस्पायरेंट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, किसी भी बैच में एनरोल कराना है, बैंक महापैक मेंबरशिप लेनी है, यू हैव कोड Y168 फॉर 78% डिस्काउंट। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, राधे राधे दोस्तों।